वेलकम टू इन्वेस्टमेंट आज है इस साल का आखरी दिन यानी कि इस साल में आखिरी वीडियो बिकॉज अगली वीडियो हम मिलेंगे अगले साल में तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है बिकॉज हम सबको पता है कि यूपीआई पेमेंट पेविन से पेमेंट करना इतना आसान हो चुका है कि सबके लिए वही एज अ फर्स्ट पेमेंट मेथड बन चुका है बट अभी भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती है अगर हम किसी गलत इंसान को या कोई गलत क्यू आर कोड स्कैन कर लें और किसी गलत इंसान को पेमेंट चला जाए क्योंकि वो पेमेंट रिवर्ट ऐसे ही नहीं होता तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं ये समझने के लिए इस वीडियो को बनाया गया है जिसमें हम चार सोल्यूशंस को डिस्कस करेंगे क्योंकि आप देखो कि आप चाहे भीम से पेमेंट करो या फिर जो दूसरी एप्स हैं जैसे कि पेटीएम है जीप, जीपे है फोनपे है या जितने भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं कभी ना कभी हमसे कुछ ना कुछ ऐसी छूट हो ही जाती है तो इस वीडियो में हम सभी चीजों को समझेंगे इससे पहले हम वीडियो शुरू करें डू नॉट टू यूज द कूपन कोड हैप्पी न्यू न्यू ईयर ईयर बिकॉज कल है तो फिर डिस्काउंट तो बनता ही है जहां पे आपको मिलेगा 50% तक का डिस्काउंट हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज पर और साथ ही में आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे एक्साइटिंग कॉम्बो ऑफर्स जहां पे आपको ई लर्निंग कोर्सेज मॉडल पोर्टफोलियोजोमीटर्स की अमेजिंग एक यू नो रेंज देखने को मिल रही है तो जो भी आपको बेटर लगे हमारी साइट पर जरूर विजिट करें एंड आपको ये ऑफर बहुत ईजिली मिल जाएगा तो चलिए अब शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं कि अगर आपने गलती से किसी को पेमेंट कर दिया है तो तो उसका इजी क्या है है तो सबसे पहला पॉइंट आता है हमारे पास कॉन्टैक्ट यूपीआई सपोर्ट यानी कि आपने जिस भी ऐप से पेमेंट किया है आप उसको सपोर्ट करें ये आरबीआई की गाइडलाइंस में लिखा हुआ है कि जो भी आपका पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर है सबसे पहले आपको उसी के पास जाना है बिकॉज उस ऐप का भी एक ओन मैकेनिज्म होगा आपको एक सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करने के लिए ताकि आपकी जो भी कंप्लेंट है आप उनके ऊपर मतलब आप उनको बता सकते हैं वो आपके कहते हैं जो भी आपकी प्रॉब्लम है या कंसर्न है जैसे इस केस में गलत पेमेंट हो गई है उसको जरूर रिजोल्व करेंगे दूसरा हमारे पास आता है फाइल कंप्लेंट इन एनपीसीआई पोर्टल अगर आपका ऊपर वाले मेथड से कंप्लेन सॉल्व नहीं होती है तो उस केस में आप कस्टमर सर्विस ऑफ द यूपीआई एप डज नॉट हेल्प यू मच तो आप एनपीसीआई की साइट पर जाएं, जो कि हमारा आ, क्या कहते हैं नेशनल पेमेंट वाला पोर्टल है वहां पर उनकी वेबसाइट पर जाकर एक टैब आपको देखने मिलेगा व्हाट टू डू व्हाट वी डू टैब तो वहां पर आप जब जाएंगे तो आपको वहां पे यूपीआई को सिलेक्ट करना है एंड यूपीआई के अंडर आपको करना है डिस्प्यूट रिड्रे, uh, रिड्रेसल मैकेनिज्म जैसे ही आप उसको सिलेक्ट करेंगे तो आपके सामने एक विंडो ओपन अप होगा जिसमें आपके कंप्लेंट सेक्शन से रिलेटेड सारे फॉर्म्स होंगे मतलब सेक्शन होंगे फिल करने के लिए तो आप उन सबको ही देखेंगे एंड उसके बाद आपको वहां पर इनकरेक्टली ट्रांसफर टू अनदर अकाउंट को सिलेक्ट करना है अपनी कंप्लेंट को सबमिट कर देना है तो ये हो गया आपका दूसरा मेथड अगर आपकी पेमेंट गलत हो गई है तो तीसरा मेथड हमारे पास आता है कि अगर ऊपर वाले दोनों मेथड भी काम नहीं करते हैं तो फिर आप अपने बैंक को अप्रोच करें एंड उनको बोलें कि जो भी जिस भी पर्सन को ये गलती से पेमेंट चला गया है आपकी वो पेमेंट को रिवर्स करें अगर तो सेम बैंक में होगा तो प्रोसीजर थोड़ा इजी हो जाता है अगर किसी दूसरे बैंक में होगा तो प्रोसीजर थोड़ा लेंदी होगा बट बैंक आपको हेल्प जरूर कर देगा लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो आपके पास सोल्यूशन बचता है कि अगर ऊपर वाले तीनों में से कुछ भी काम नहीं आता देन यू कैन अप्रोच बैंकिंग एम्बुडमेट अब ओम्बुडमैन क्या होता है बेसिकली ओम्बुडमैन एक तरीके का यू you नो know, एक इंडिविजुअल कह लो जो गवर्नमेंट ही अपॉइंट करती है किसी ना किसी सीनियर ऑफिशियल्स को जिसका काम ही ये होता है कि अगर आपकी कोई कंप्लेंट है उसको इन्वेस्टिगेट करना मीडिएशन या आर्बिट्रेशन जैसी सर्विसेज को प्रोवाइड करना एंड आपके इशू को रिजॉल्व करना मतलब आप बैंकिंग ऑम्बुड्समैन के पास कब जा सकते हो आफ्टर थर्टी डेज मतलब तीस दिन के अंदर भी अगर आपकी प्रॉब्लम उन तीनों ही ऊपर मेथड से सॉल्व नहीं होती है तो आफ्टर थर्टी डेज आप इस बैंकिंग ऑम्बुड्समैन के पास आ सकते हो और अपनी कंप्लेट को रजिस्टर कर सकते हो अब इस कंप्लेन को रजिस्टर करने के लिए आपके पास तीन तरीके हैं सबसे पहला तो आप नॉर्मल एक व्हाइट पेपर लें उस पर अपनी कंप्लेंट लिखे एंड जो भी आपका कंसर्न ओम्बुडमेन उस एरिया में होगा आप उसको पोस्ट फैक्स या हैंड डिलीवर भी कर सकते हैं दूसरा हमारे पास आता है कि आप ओम्बुड्समैन की जो भी उनकी आईडी है डिजिटल ट्रांजेक्शन की उनको अपना कंप्लेंट ईमेल भी कर सकते हैं जिससे कि आपका प्रोसेस जो है वो स्पीड पर आ जाए तीसरा आता है दैट यू कैन ऑल्सो फाइंड अ कंप्लेंट फॉर्म अलॉन्ग विधि की वेबसाइट पर जाकर भी जो भी बैंकिंग ओम्ब होगा फॉर डिजिटल वहां पे से आप कंप्लेंट फॉर्म डाउनलोड करके उसको फिल करके वो सबमिट कर सकते हैं तो इन तरी तीन तरीकों से आप कर सकते हैं तो ये ऑमबुड्समैन फॉर डिजिटल ट्रांजेक्शन क्या है कि जैसे हमने बोला कि ऑम्बुड्समेंट कौन है एक सीनियर ऑफिशियल है जो कि आपकी कंप्लेट को सॉल्व करेगा तो ओम्बुडम फॉर डिजिटल ट्रांजेक्शन क्या है कि अगर डिजिटल ट्रांजेक्शन से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो वो जो जो भी प्रॉब्लम है या जो आपकी कंप्लेन है वो जो भी सीनियर ऑफिशियल होगा उस ऑम्बुन में वो आपकी उस को सॉल्व कर देगा तो इन चारों ही मेथड्स में से कैसे ना कैसे भी आपको आपके पैसे मिल जाएंगे इन थर्टी डेज या थर्टी डेज एंड बियॉन्ड सो दिस वॉज ऑल अबाउट कि अगर आपने गलत किसी को पेमेंट कर दिया है तो घबराने की कोई बात नहीं है इन चार मेथड्स के बेसिस पे आप अपनी मनी अपने पैसे को वापस अपने अकाउंट में पा सकते हैं आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा हेल्पफुल लगा है तो लाइक बटन जरूर प्रेस कर दें एंड मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर भी करें क्योंकि अगर उनके साथ भी ऐसी गलती होती रहती है तो उनके लिए भी ये प्रोसेस बहुत ही ज्यादा ईजी हो जाएगा मिलते हैं आपको अगले वीडियो में मिलते हैं आपको अगले साल में थैंक यू सो मच